नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में भाजपा का संगठन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा है, जिसमें अब बीजेपी संगठन में अपने विधायकों का प्रशिक्षण करवाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी की चुनावी तैयारी जहां अन्य दलों से दो कदम आगे है, तो वहीं कांग्रेस अब भी अपने संगठन को ही खड़ा करने में जुटी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। 2024 का फाइनल मैच खेलने के लिए उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बीजेपी कांग्रेस सभी को लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करना है, लेकिन ये चुनाव जीतना तभी संभव हो पाएगा जब सियासी दलों की तैयारी पुख्ता हो और उनका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान हो। लेकिन उत्तराखंड में सियासी दलों में बीजेपी दूसरे दलों से दो कदम आगे निकलती नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो जिला मंडल और बूथ स्तर की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद उनके प्रशिक्षण वर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल अभी तक अपने नए कप्तान की नई टीम पूरी ही घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस में अभी 26 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष घोषित हुए हैं, जबकि बीजेपी अपने विधायकों का प्रशिक्षण भी करवाने जा रही है, जिससे चुनाव के समय उसका हर कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत कर सके। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो बीजेपी का संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, जिसमें संगठन के विभिन्न वर्गों का प्रशिक्षण हो चुका है और अब 8 अप्रैल से देहरादून से पार्टी के विधायकों का भी प्रशिक्षण होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी वर्चुअल रूप से विधायकों को गुरु मंत्र देते नजर आएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, उनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9, 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वही कांग्रेस की माने तो उनकी पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों को चुनाव के उस समय उठाने का काम करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो कांग्रेस पार्टी को अब बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसद ये बताए कि जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उन गांव की स्थिति क्या है। बीजेपी भले ही कुछ भी रणनीति बना ले, जनता को सच मालूम है। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है, हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते, वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है सियासी दलों की तैयारी भी जोर शोर से होने लगी है। लेकिन चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी दूसरे दलों से दो कदम आगे है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके नेताओं का प्रशिक्षण भी शुरू होने वाला है, ताकि चुनाव के समय कोई भी पार्टी की रीति नीति से अनभिज्ञ ना रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस अपनी तैयारी कैसे पूरी करती है और कैसे अपने चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करती है। देहरादून से अभिक एंट्रो की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो 24 की तैयारी तेज, क्या कांग्रेस फिसड्डी साबित हो रही है 24 की तैयारियों को लेकर सियासी कसरत में, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी इस वक्त जुड़ गया है। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संगीता शर्मा है प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, शिषपाल बिष्ट साहब है प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। शिषपाल बिष्ट साहब, शुरुआत आप ही के साथ। देखिए, बीजेपी ने तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करा लिया, विधायकों के प्रशिक्षण की बारी है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां भी अधूरी हैं सर, ऐसी लड़ेंगे 24 का चुनाव। आशीष नोटियाल साहब, माफ कीजिएगा, आशीष नोटियाल है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देखिए साहब, कांग्रेस की तैयारी तो भाजपा कर रही है। आप देखिए जिस प्रकार से भाजपा ने जनता को प्रताड़ित कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है, अपनी तानाशाही जनता को दिखा दी है, तो उससे साफ दिखता है कि जनता के मन में जितना भाजपा ऐसी हरकतें करेगी, भाजपा के प्रति घृणा पैदा होगी और जनता सच को समझेगी। आप देखिए, जब भाजपा ने सरकार बनाई, पहले 5 साल मांगे, फिर 5 साल और मांगे और जनता ने इनको दिए। आपने कहा हम आएंगे, हम काला धन लेके आएंगे, काला धन इतना मात्रा में आने वाला था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलने वाले थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता अब इनसे मांगेगी, आपका काला धन कहाँ है, ये क्यों नहीं आया? गुजरात मॉडल की बात की थी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, आज बताएं गुजरात मॉडल क्या होता है। 10 साल हो चुका है, इनको हिसाब देना पड़ेगा गुजरात मॉडल का, इनको बताना पड़ेगा महंगाई के नाम पे किस तरह से इन्होंने सरकार बनाई थी कि गैस सिलेंडर में डायरेक्ट सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी और आपको गैस सिलेंडर सस्ते दाम में मिलेगा, बिचौलिया हम खत्म कर देंगे। आप देखें कहां से शुरू हुई थी और गैस सब्सिडी आज 5 से 7 रुपए भी नहीं आ रही है, वो भी खत्म करके जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन जितने रोजगार थे उनके रोजगारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी को लेकर आप देखें किस तरीके से आम व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया है, इनकी तानाशाही। और देखें अपने विपक्ष के नेता को ही उठा के बाहर फेंक दिया, तो ये तानाशाही जनता देख रही है, समझ रही है। और रही तैयारी की बात, भाजपा पन्ना पर्वत बनाती है, वो गोद लेती है गांवों को, मन की बातें करती है, ये कोई तैयारी नहीं होती। जनता समझ रही है किस समय किस हालत में देश आजाद हुआ था और वो कांग्रेस पार्टी को मिला था, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय राज किया जब देश के अंदर सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो ये जनता देख रही है। हमें वो तैयारी नहीं करनी, हमें नौकरी में लोग नहीं रखने, क्या कोई तनख्वाह देंगे हम, आप काम करें, आपको हम पेट्रोल खर्चा देंगे, आप काम करेंगे। जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ है, ठीक है 10 साल जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देखा, पर अब सब समझ चुकी है जुमलेबाजों की सरकार है सर, और ये सरकार आगे नहीं चलने वाली। वो हमें दिख रहा है कि किस तरह से जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं वो आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी के से दूर हैं, और आप बार बार जो एक ही रटा रटा आलाप राग अलाप रहे ना, जेपीसी और जेपीसी के बाद अडानी और ये सब चल रहा है देश में, मतलब कोर्ट ने भी महंगाई की बेरोजगारी की तो बात ही, राजनीति धर्म अलग रखे, धर्म की राजनीति बंद करें, कोर्ट ने भी कल को क्या किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महंगाई बेरोजगारी ये सब आम मुद्दे तो कांग्रेस भूल ही गई है। हनी पाठक कैसे देखते हैं मैडम कांग्रेस की तैयारी को, विपक्ष की तैयारी को? आप राष्ट्र बन जाता है कोई चाल कुचाले रचकर जब स्वयं शकुनी बन जाता है, पहला, और दूसरा सब सार इसी मेरी कहावत में था। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि जनता ने देख लिया, जनता जवाब दे रही है, बिल्कुल जनता ने जवाब दिया है। अभी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय अटूट प्यार और समर्थन देने के लिए देश तुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद एवं आभार। गुजरात मॉडल पर अब आती हूँ, एक एक करके मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगी। गुजरात मॉडल पर अब आती हूँ, इन्होंने गुजरात मॉडल की बात करी। गुजरात में एंकर महोदय ये गए हुए थे ना, काफी रैलियां करी थी, बातें करी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे आशीष नोटियाल जी, एक एक करके सर, आपकी बात में बीच में नहीं उन्होंने इंटरप्ट किया, आप उनकी बात में इंटरप्ट नहीं करेंगे, एक एक करके बात होगी, एक एक करके सबसे सबके पास आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल हनी पाठक, हाँ तो कहते हैं ये गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए सभी देवतुल्य जनता को मैं हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, दोबारा हमें पुनः विजयी बनाने के लिए और सत्ता के गलियारे से ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए। तीसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा और हाँ एंकर महोदय, एक बात तो मैं भूल ही गई,
पन्ना प्रमुख मन की बात वगैरह वगैरह इन्होंने हमारे सारे बताएं जो जो हम लोग निकालते हैं और कार्य करते हैं धरातल पर, तो इन्होंने वो सारे नाम गिनाए। मैं बड़ी आभारी हूँ नौटियाल जी का कि भाजपा के हर कार्यकलाप पर और हर चीजों पर नजर रखते हैं नौटियाल जी, काफी प्रखर प्रवक्ता हैं और काफी सीखते भी हैं ये लोग हम लोगों से, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने कराना शुरू किया था, उस बूथ की बैठक से सीखा इन्होंने, सीखना चाहिए, कभी किसी से भी सीखने से शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। और इन्होंने बूथ अभियान शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे, जिन्ना जीता नेहरू आरा, अब ये भारत जोड़ेंगे, 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। तीसरी बात पर अब मैं आती हूँ, इनकी हर बात का जवाब मैं देकर जाऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ एंकर महोदय, क्योंकि इन्होंने सवालों की बहुत लिस्ट लगाई थी। काला धन 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, इन्होंने मोदी जी का काफी ज्यादा मैसेज बनाए, सोशल मीडिया पर चलाए, उसको दोबारा मैं चाहूंगी इंडिया वॉइस पर कि अगर कहीं वो क्लिपिंग है तो चलाया चलाया जाए। उन्होंने ये कहा था कि विदेशों से और जगह से जो भ्रष्टाचारियों ने काला धन दबा रखा है वो अपने देश में वापस आएगा और आके सबके खातों में जाएगा, और काफी हद तक गया, काफी हद तक गया, लेकिन इन लोगों ने वो 15 लाख को एक जुमला बना दिया, क्योंकि जब लाइन में पुराने नोटों को नए नोटों में बदला जा रहा था तो वहां पे गरीब मजदूर भी लगा था, झाड़ू पोछे वाली भी लगी थी, उनको नोट बदलवाने के लिए हर महीने का दिन दिया जाता था और उसमें लाइन में काफी कांग्रेस के लोग भी लगे थे, तो वो नोटबंदी के दौरान जो हाल थे और किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हुआ था ये सब जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, इन्होंने सारे मोदी को चोर बताया, अब मैं थोड़ा सा इनको हिस्ट्री इन्होंने बहुत सुनाई मुझे तो अब मैं इनको सुनाती हूँ। विनय मित्तल एक वचन जाली, चेतन जयंती लाल दारा, नितिन जयंती लाल दारा, दीप्ति बन चेतन, साविया सेठा, राजीव गोयल, अलका गोयल, रितेश जैनी, हितेश जैन पटेल, मयूरी बहन पटेल, अशीष सूर्यपाल, स्कूल डकैती 10 ट्रिलियन रुपए है, इनमें से कोई भी आरएसएस से नहीं, बजरंग दल का नहीं, राम सेना का कोई नहीं, हिंदू विजिलेंस फोरम का कोई सदस्य नहीं, इसमें से कोई भी बीजेपी का सदस्य नहीं है। और ये सब सत्ता चोरी पता है कहां से हुई थी, ये हुई थी 2004 से 2014 में, जब सोनिया गांधी वाड्रा सत्ता में, जब सोनिया जी वाड्रा कांग्रेस वगैरह वगैरह इनका पूरा परिवार, क्योंकि परिवार ही सत्ता में हमेशा से रहता आया है, तो उस समय राहुल गांधी जी को इनकी याद नहीं आई क्या, सिर्फ मोदी ओबीसी मोर्चा की। हनी पाठक ये बताइए कि बीजेपी की तैयारी कितनी है, मुद्दे से कौन भटका था, नौटियाल जी, तो सारे जवाबों को टैक्स ठीक है, हो गया मैं बराबर हो गया। अब आप एंकर महोदय के सवाल को डिबेट पे मैं दोबारा आती हूँ, पूरी हमारी तैयारी, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी है, जो धरातल से जुड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में पहला अक्षर ही भारतीय होता है, दूसरा जनता और तीसरे नंबर पे हम लोग पार्टी को रखते हैं, तो जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है हमारा, और हर कार्यकर्ता बिना सैलरी के यहाँ पर जुड़ा रहता है, जिस प्रकार नौटियाल जी ने कमेंट किया सैलरी से, तो मुझे ऐसे प्रवक्ता आज तक 1 रुपए की सैलरी नहीं, कांग्रेस ऐसे तो कांग्रेस में भी शुरुआत में भारतीय होता है मैडम, मैंने ये कहा है अपने बारे में, मैंने बताया मैंने कांग्रेस के में क्या शुरू है क्या नहीं है ये मैंने नहीं कहा, मैंने अपने संगठन के बारे में बात करी है। अब विधायकों का प्रशिक्षण कब हो रहा है, विधायकों का प्रशिक्षण का अभी आपने पूरा बताया है, ये हो रहा है, जिसमें अभी हमारे यहाँ लगातार प्रदेश का प्रशिक्षण, महानगर का प्रशिक्षण, मंडल का प्रशिक्षण, बूथ का प्रशिक्षण, पन्ना प्रमुख का प्रशिक्षण, लगातार प्रशिक्षण संगीता शर्मा चलता है, उसी में अब ये विधायक प्रशिक्षण का शुरू हो रहा है। शर्मा सोच रहे हैं कि आज मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी, यानी पाठक चुप होने का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, मोदी जी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, बीएल संतोष जी जुड़ेंगे, हम लोगों हमारे विधायक गणों को मूल मंत्र देंगे और अपने बात को रखेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। संगीता शर्मा, क्या विपक्ष की तैयारियां काफी हैं, क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी के चेहरे से लड़ने की बात कही जा रही है, विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग विपक्ष जो दल हैं वो देश भर में अभियान चलाए हुए हैं, उधर ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती हैं, उधर नीतीश कुमार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ बयान दे ही रहे हैं विधानसभा में कहीं मीडिया के सामने, तो क्या विपक्ष की तैयारियाँ पूरी हैं मोदी को टक्कर देने के लिए, मोदी को हराने के लिए, क्या लगता है आपको? संगीता शर्मा, देखिए शिवम जी,
हराने का काम जनता करती है, पर जो इस समय लोकतंत्र में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किन वादों को लेकर के आई थी? हाँ। 2014 से पहले के माननीय मोदी जी के आप भाषण सुनिए, क्या कहा गया था? महंगाई की मार। आज वो महंगाई दिखाई नहीं देती, कौन सा चश्मा पहन लिया? क्या कहा गया था? एक मैडम थी वो सिलेंडर गले में टांग के घूमा करती थी, आज शायद उन्हें सिलेंडर दिखाई लेकिन वो अमेठी जीत ले गई मैडम। नहीं नहीं, तो मैं आ रही हूँ मुद्दे पर। हाँ। देखिए, जनता मौका देती है, कांग्रेस को कितने साल मौका दिया और जिस महंगाई के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और उस जनता ने कांग्रेस को हाशिए पे पहुंचाया, आज भी वो ताकत जनता के हाथ में है। शिवम भाई, हमने वो दौर भी देखा जब अंग्रेजों का दौर था, वीर सावरकर जिन जिन जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए, वीर सावरकर पे मत बोलिए संगीता बहन। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। राहुल गांधी भी फंस गए, उद्धव ठाकरे ने कह दिया हम गठबंधन तोड़ देंगे महाराष्ट्र में। शिवम भाई, मैं ये बात कह रही हूँ कि हमने वो अंग्रेजों का दौर भी देखा कि उस समय भारतीयों की संख्या कितनी थी, लेकिन भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिलाई। तो आज जो दौर है, तो ये जनता जो है वो महंगाई से, बेरोजगारी पे जो झूठ बोल करके आए उससे भी निजात दिलाएगी। तो ये जनता है लोकतंत्र की, क्योंकि झूठे वादे करके भाजपा सत्ता में आई थी, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, चाहे मैं देश की बात करूं। तो अब वो जनता ने देख लिया है, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि संसद में जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आज उनके 301 सांसद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है? संगीता शर्मा, 116 संगीता शर्मा, 87 बहुत ज्यादा दागी है। उसके बाद भी आप ये देखिए, मैंने क्या कहा, तैयारी किसी की कितनी भी हो। अब तो हनी पाठक शुरुआत में आप भी बोली थी, तो वो कह रही मैं भी बोलूंगी। तैयारी कितनी, आशीष नौटियाल भी बोले, तो बात बराबरी की हो गया। ठीक है, अब हो गया। अब हम पूछते हैं ये संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की, आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट बीजेपी में शरीक हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए वो तो। नहीं नहीं, देखिए शिवम भाई, आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो दिल्ली में तो हमने बीजेपी को किस तरह हराया, पंजाब में बीजेपी को किस तरह हराया, गुजरात में हम 5 सीटें लेकर के आए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में सबकी अपनी तैयारी चल रही है और हम भी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल अभी भोपाल गए थे, वो खुद इन्हें केजरीवाल अभी भोपाल गए थे तो वहां से फोन आया कि जो सुनने आया अरविंद केजरीवाल को ना, ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल कौन है, उनका नाम तक नहीं पता था, मुख्यमंत्री है दिल्ली के ये भी नहीं पता था, पता नहीं कहां से भीड़ इकट्ठे होके मंगाई गई थी भोपाल के। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है शिवम भाई, ऐसे तो कितने भाषण होते हैं, अगर मैं इस टॉपिक पे जाऊंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आपके डिबेट का समय कम पड़ जाएगा शायद। तो देखिए, आज जो देश में चल रहा है ना शिवम भाई, वो सारी जनता देख रही है कि इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस के लोग जाते हैं तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, और जो अभी 3 राज्यों की बात हनी बहन ने कही कि हम जीते हैं, तो शिवम भाई एक चुनावी आंकड़ा उठा करके देखिएगा कि 2018 में इन्हें वहाँ कितना वोट मिला था और 2023 में कितना मिला। मैं सिर्फ एक मेघालय की बात करूं तो 9.6% था, इस समय इनका घट करके 9.3%। लेकिन अभी कितना जनाधार है आम आदमी पार्टी का? घटा है ना, कि वहाँ बड़ा है। संगीता शर्मा, अभी जनाधार कितना है आपका आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड? देखिए, आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, हम अभी 9 साल से। कितने कैंडिडेट जीते 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके? कितने विधायक बने? कितने विधायक बने 22 में? आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने विधायक जीते, कितने प्रत्याशी? पंजाब जीता ना हमने, पंजाब जीता, वहाँ सरकार बनाई, सबका टुकड़ा साफ किया। क्या कह रहे हैं कि नहीं जीता? अभी हमने एमसीडी चुनाव दिल्ली में जीता, इसी तरह हम आने वाले चुनावों में उत्तराखंड में भी जीतेंगे। तो आम आदमी पार्टी अपनी आम आदमी पार्टी की टक्कर किससे है? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो भाई देखिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो कोर्ट केस कर दो, सदस्यता चली जाएगी। आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस से है, ये बता दीजिए संगीता। आम आदमी पार्टी का मुकाबला गलत नीतियों से है। हाँ, आम आदमी पार्टी का मुकाबला जनता की भलाई से है, जनता की। पहले आपका एक नारा होता था, पार्टी उसके साथ खड़ी। पहले आपका एक नारा होता था 2012 में, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था नया नया, तो कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेश के खाई मलाई। और अब फिलहाल नारा क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि देखिए भाई, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली इन्होंने, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे तो इनकी सदस्यता की मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी के भाषणों की आपको याद दिलाऊं और उनके बयानों की हमारी याद दिलाऊं, कीजिए ना, केस बैठ के बात करने से नहीं होगा, केस कोर्ट में जाएंगे तब सदस्यता जाएगी, अरविंद केजरीवाल जाना होगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन 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 आशीष नोटियाल साहब, आशीष नोटियाल साहब, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर प्रदेश में एक तो सियासी खींचतान मची हुई है, दो अलग अलग धड़े बट गए कांग्रेस पार्टी के,
उन्हीं में अभी मामला ठीक नहीं चल पा रहा है, ऊपर से 2024 का चुनाव, मतलब राहें आसान लग रही हैं आपको? खुद से अपने अंतर्मन से बताइएगा, अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? हमें तो बहुत आसान लग रही है। देखिए, सिर्फ संगठन बनाने से या इस तरीके के लोगों पन्ना प्रमुख जसमो जोड़ने से नहीं जीता जाता। जो पार्टियां होती है विचारधारा से चलती है, और कांग्रेस की एक विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा क्या है? सिर्फ सरकार बनाना, उसके लिए आप किसी से भी तोड़ लो, कुछ भी करो, देखो जो भी बातें हैं सब जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। और अब आने वाले, देखिए आप, ललित मोदी वहां से आज आ रहा था कि वो जो है इनको वहां से तारीफ कर रहा है भाजपा की, वो कह रहा है नहीं मैं राहुल गांधी को फंसाऊंगा। इनके समर्थक देखो ना, ललित मोदी पर हम डिबेट कर चुके हैं, वो कल का मुद्दा है। आज का मुद्दा ये है कि कांग्रेस की तैयारियां अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है सही से? मैं कहता हूँ कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस को तैयारी करके लोगों घर घर भेज के नहीं भेजना कि हम आपके घर आ रहे हैं आप हमें वोट दो। हनी पाटक जी यही कारण मानती है क्या बीजेपी की जीत का कारण क्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर एक चुनाव में अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व की ताकत झोंक देती है और चुनाव जीत जाती है, और कांग्रेस की हार के कारण क्या ये है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों को गंभीरता से नहीं ले रही, कांग्रेस पार्टी उतना एक्टिवेट नहीं है जिस हिसाब से उसे एक्टिवेट होना चाहिए? हनी पाठक नहीं है ना, आशीष नौटियाल, हनी पाठक से सवाल था। थैंक यू सो मच शिवम जी, बड़े कंफ्यूज टाइप प्रवक्ता है ये, इनके बाकी के नेता कैसे दिखाई देते हैं? अभी आपकी ब्रेकिंग में दिखा रहा था कि हम अब घर घर जाएंगे, प्रति व्यक्ति से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे, यही था ना डिबेट में आपने अभी प्राइम में दिखाया था। और अब इनके नौटियाल जी प्रवक्ता भी क्या कहते दिखाई देते हैं कि हम सबसे मिल मिल के और लोगों से जोड़ के थोड़ी चुनाव जीतेंगे, पार्टी एक विचारधारा है। तो कंफ्यूजन को जरा प्लीज क्लियर करें, सब आप सही, आप ही सही है, सब कंफ्यूज है दुनिया में। तो अभी आपने कहा उस समय क्यों टोक रहे हो आप मैडम को, टोक रहे थे आम आदमी, तब कोई दिक्कत नहीं है, हम टोक रहे थे, दिक्कत है, हम ओछा बंद कर रहे हैं, आप ओछा बंद नहीं करते, आप थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता क्यों बोले थे आप कुछ ही बोलते हैं, आपसे ज्यादा कंफ्यूज है ही नहीं। संगीता जी ने मुझे एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने अपनी बोल राजगुरु वगैरह जो लोग थे फ्रीडम फाइटर आजाद कराया, तो दोनों परिपक्व हो जाइए, थोड़ा परिपक्व हो जाइए। वो संगीता जी ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए बैठ के घर में एक बैठ बना के दे दिया कीजिए, कोई बीजे बोलेगा नहीं। दूसरी चीज मैं बताती हूँ अभी कि बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इनके ही पार्टी में, जब लिस्ट आती है तो प्रीतम सिंह जी पलटवार कर देते हैं कि ये लिस्ट गलत आई है, AICC की जब लिस्ट आती है तो उसमें हरीश रावत जी को बीच बचाव करने आना पड़ जाता है कि ये अपने मन की लिस्ट लेकर आते हैं। तो कंफ्यूजन वाली पार्टी है और अंदरूनी काफी सिर फुटा फुटा हुआ है, कहां ये विचारधारा है, किस प्रकार की विचारधारा? अपनों से तो लड़ पान या अपनों से लड़ेंगे, फुर्सत मिलेगी तब ना जनता के पास जाएंगे और तब ना जनता से अपना विश्वास जताएंगे और जनता से वोट की अपील कर पाएंगे। ठीक है, समय मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपका हनी पाठक जी चर्चा में शरीक होने के लिए, संगीता शर्मा आपका शुक्रिया, और हमारे साथ आशीष नौटियाल जी थे, आपका भी शुक्रिया नौटियाल साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में ताई खबर लगातार जारी है।